अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं जी। तो प्यारे बच्चों, आज हमारी बहुत ही खूबसूरत सी बुक, और ये बुक जो है द लर्निंग ऑफ साइंस बुक टू, सो इट्स मीन ये टू क्लास की बुक है। सो ओपन नाउ ऑन पेज नंबर फोर ऑल्सो, और टॉपिक इज़ यूनिट नंबर वन एंड टॉपिक इज़ द बेस्ट मशीन और बॉडी। सो हमने इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा था पार्ट वन में। हमने स्टमक के बारे में, यानी और बॉडी के जो इनर पार्ट्स हैं उनके बारे में, देन हम लोगों ने आउटर पार्ट्स के बारे में, हम लोगों ने सेंसेस के बारे में पढ़ा। नाउ ऑन पेज नंबर एट, सो पेज नंबर एट पर असेसमेंट एंड एक्टिविटी। आज जो हमारा वर्क है वो असेसमेंट एंड एक्टिविटी है। मैच द फूड विद देयर टेस्ट, हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने कॉलम्स को मैच करना है और हमने मिलाना है फूड को उनके टेस्ट के साथ। नाउ इन फर्स्ट इज दिस इज सोर खट्टा। नाउ दिस लुक, दिस इज लेमन, सो लेमन्स टेस्ट इज सोर, इट्स मीन खट्टा। नाउ नेक्स्ट इज सॉल्टी, सो सॉल्टी में अगर हम देखें, सो सॉल्टी में हमें दिखाई देता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो यहाँ पर हमारे पास फ्राइज हैं, ये सॉल्ट हैं, सॉल्टी हैं, यानी नमकीन है। द नेक्स्ट स्पाइसी, सो द स्पाइसी अगर हम देखें, सो यहाँ पर जो है वो फूड बहुत ही स्पाइसी बना हुआ है, सो स्पाइसी। द नेक्स्ट इज बीटर, सो यहाँ पर जो है वो करेला, वो बहुत ही कड़वा सा होता है। नाउ मैच द नेक्स्ट इज स्वीट, सो स्वीट में हमें यहाँ स्वीट दिखाई देती है, जिसे हम लोग मिठाई भी कहते हैं, सो मिठाई जो है वो मीठी होती है। नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड गिवन इन द वर्ड बैंक, हमने यहाँ पर जो वर्ड बैंक है इनकी मदद से हमने अपने फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। नाउ हम लोग अपने फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करेंगे। सो इन फर्स्ट इज वी हेयर विद और ears, we hear with our ears. Now the ears is E A R S, ears. Now we see with our see with our eyes. We feel things with our, we feel हम किससे करते हैं, sense, see, hear, skin, feel, taste, nose, tongue. So हम अपनी skin से feel करते हैं। Now we feel with our skin. हम महसूस करते हैं अपनी जिल से। Now we taste with our tongue. यानी हम अपनी जबान से क्या करते हैं, चखते हैं। Tongue. Now we smell things with our nose. I can hear the radio from across the room. Did you dash the delicious cake? Did you taste the delicious food? I can dash the mountains at distance. See, I can see the mountains. We dash hot in summer season. We feel hot in the summer season. People have five senses. People have five senses. Now the page number 8 is done. Move on next page. On next page is page number 9, and on page number 9 assessment, what am I? What am I? So
द स्टेटमेंट में हमने आंसर देने हैं आई एम मेड ऑफ मसल्स एंड कीप यू अलाइव, व्हाट एम आई, हार्ट। उसने कहा है कि आई मेड ऑफ मसल्स, मैं मसल से बना हूँ, कीप यू अलाइव और आप लोगों को ज़िंदगी देता हूँ या तुम्हें ज़िंदगी देता हूँ, व्हाट एम आई, सो हार्ड। हार्ड जो है वो किससे बना है, मसल से। When you eat, I mix your food and digest it. What am I? यानी हम लोग क्या करते हैं, जो खाना खाते हैं और जो यानी जिसे वो पचाता है तो उसे क्या हम कहेंगे, स्टमक। I control all the body parts of the body. यानी पूरे जिस्म को जो कंट्रोल करता है, जो हिस्सा वो हमारे जिस्म को कंट्रोल करता है, वो क्या चीज़ है, What am I? मैं कौन हूँ, Brain. Brain करता है ना हमारे पूरे जिस्म को कंट्रोल। I make the structure of your body and give it a shape. What I am, यानी जो आपके जिस्म को जो है वो स्ट्रक्चर यानी एक ढांचे में मुकम्मल तौर पर जो है वो शेप देता है, वो क्या कहलाता है, स्केलेटन। What are a pair and help you in breathing, वो कौन से दो जो हैं वो चीज़ें हैं या वो कौन से दो हिस्से हैं जो आपको सांस देते हैं, सो लंग्स। द नेक्स्ट, रीड द स्टेटमेंट एंड टिक द करेक्ट आंसर। आपने क्या करनी है, रीड करनी है स्टेटमेंट को और आपने क्या करना है, करेक्ट आंसर को क्या करना है, आपने लिखना है। द फर्स्ट इज़ हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन अ ह्यूमन बॉडी, 260, 210, 206, 207, now 206। Now next is, which is the largest organ in the human body, liver, heart, brain, skin, now the skin. Now the next is 3, the part of the body show a slight color, shape and size of different object. So हमारे जिस्म का वो हिस्सा जो हमें बताता है किसके बारे में, रंग के बारे में, लाइट के बारे में यानी शक्ल के बारे में और जिसामत के बारे में, तो वो क्या है, वो आइज हैं। नाउ नेक्स्ट इज हाउ मैनी सेंसेस ऑर्गन्स वी हैव, हमारे पास कितनी सेंसेस होती हैं, 5, 4, 7, 6, 5। नाउ दिस बॉडी पार्ट कंट्रोल ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी ये जो हमारे जिस्म का हिस्सा है ये तमाम हमारे बॉडी के हिस्सों को कंट्रोल करता है। नाउ द फर्स्ट इज हार्ट, ब्रेन, लंग, स्टमक, ब्रेन। Now move on next, and the next is answer the following questions. हमने क्या करने हैं, आंसर देने हैं फॉलोइंग क्वेश्चंस के। सो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करने हैं, आंसर देने हैं फॉलोइंग क्वेश्चंस के। Now what is skeleton? So हमारे पास बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे नोट्स भी मौजूद हैं जो हमें स्कूल से मिलते हैं, ताकि हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन के आंसर्स लिखने में, या फिर बहुत ही जो है वो ईजी कर दिया गया है, आप लोगों को ढूंढना नहीं पड़ता आप लोगों की बुक में से। तो आप लोगों ने क्या करना है, इन्हीं नोट्स का आप लोगों ने इन्हीं नोट्स की हेल्प भी लेनी है, देन आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी नोटबुक पर भी लिखना है। सो यहाँ पर मेरे पास मेरी कॉपी है जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेरे पास मौजूद है, जिसे हम लोग नोटबुक्स भी कहते हैं। सो मेरी नोटबुक जो मेरे पास है ये साइंस की नोटबुक है। सो साइंस की नोटबुक पर मैं अपने वर्क को डन करूँगी, इट्स मीन कि मैं क्वेश्चंस के आंसर लिखूँगी। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ स्केलेटन, नाउ द आंसर इज़, सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग आंसर लिखेंगे। नाउ द आंसर नंबर 1 इज़ The bones make the bones make a
स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी विच इज कॉल्ड स्केलेटन। नाउ द क्वेश्चन नंबर टू इज वट इज जॉइंट। जॉइंट क्या है? अ पॉइंट एट विच बोन्स मीट आर कॉल्ड जॉइंट। जो पॉइंट हमारे बोन्स के अंदर बने होते हैं उन्हें जॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरा हैंड है, सो हैंड की दोनों हड्डियों को जोड़ने के लिए यहाँ पर जो जॉइंट है उसे जॉइंट कहते हैं। ओके, इस पॉइंट को जॉइंट कहते हैं। नाउ द पॉइंट Now the points at which bones meet are called joints. Now the next is what does muscles and joints do for us. Now the question number 3 answer is the muscles and the joints help us to move, walk, run, jump and lift the things. यानी जो हमारे मसल और जॉइंट्स हैं वो हमारी मदद जो है वो कैसे करते हैं, हम उन्हें काम में कैसे लाते हैं। सो द मसल्स एंड जॉइंट्स हेल्प अस, जो मसल्स और जॉइंट हैं वो हमारी मदद देते हैं टू मूव, हमें चलने में, वॉक जो है वॉक करने में, रन करने में, जंप करने में एंड लिफ्ट द थिंग्स यानी चीज़ों को उठाने में। नाउ द आंसर इज द muscles and joints help us to move, walk, run, jump and lift the things. Now the question number 4 is What heart does in our body? Heart जो है यानी हमारा दिल हमारे जिस्म में क्या करता है? So the answer is heart keep us alive. Heart हमें जिंदा रखता है, जिंदा रहने में मदद देता है। Heart pumps the blood to all parts of our body. जो heart है वो pump करता है हमारे blood को हमारे पूरे जिस्म में, okay? यानी पूरे जिस्म के हिस्सों में। Now the answer number 4 is heart keep us alive. Heart pump the blood to all parts of our body. Now the next question is question number 5. Which part of our body control all the parts of our body? हमारे जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो हमारे पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है?
नाउ द आंसर इज ब्रेन कंट्रोल ऑल द पार्ट्स ऑफ और बॉडी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हेल्प अस इन ब्रीथिंग, यानी हमें सांस लेने में जो है वो हमारे जिस्म का कौन सा हिस्सा जो है वो काम आता है. सो लंग्स. क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है लंग्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी वर्क ऑन फूड वी ईट, यानी जिस्म का कौन सा हिस्सा है जो हम खाते हैं तो उसे जो है वो पचाता है. देन आंसर नंबर 7 इज स्टमक, एस टी ओ एम ए सी एच, स्टमक. सो द आंसर इज क्वेश्चन नंबर 7. जो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है वो स्टमक है. सो किड्स, हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को हम लोगों ने फिल किया, देन हम लोगों ने अपनी नोटबुक पर उसे नोट डाउन किया. सो आपने भी इसी तरह बेहतरीन तरीके से इन क्वेश्चंस के आंसर को अपनी नोटबुक में डन करना है. देन आपने असेसमेंट और एक्टिविटी को जो हमारे पेज नंबर 8 और 9 पर मौजूद है आपने उन्हें कम्प्लीट करना है ऑन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ऑन योर बुक. सो किड्स, इसी के साथ आज हमारा जो है वो टॉपिक यानी यूनिट नंबर 1 जो है पार्ट 2 में हमारी जो असेसमेंट एंड एक्टिविटी है वो हमने डन की. सो इसी तरह आपने भी इसे बेहतरीन तरीके से याद करनी है और इसे खूबसूरत तरीके से अपनी कॉपी पर नोट डाउन करना है. सो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज़. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.